सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यही पूछ रहे थे कि एम सी ए की जो एडमिशन प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट हो सकती है, एंड इसी से रिलेटेड गाइज आज हमें एक जो अपडेट है वो देखने को मिल रहा है। क्या है गाइज अपडेट, कब से एडमिशन प्रोसेस आपकी स्टार्ट होगी, इन सभी चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो दूंगा। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए, एंड चैनल पर अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको एम सी ए सी ई टी के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पर मिलते रहे। तो आज गाइज एक न्यूज़पेपर में जो अपडेट है वो आया है, एंड ये जो अपडेट है वो सी ई टी सेल ने दिया है, क्योंकि इस अपडेट पर सी ई टी सेल के जो लोगोज वगैरह वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये गाइज लोकमत का मुंबई वाला पेपर, एंड इसमें आपको ये जो सी ई टी सेल का ऑफिशियल अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें पहले लिखा है जाहिर सूचना, एंड बताया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है एडमिशन प्रोसेस के लिए वो कब से स्टार्ट हो सकती है, एंड ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज के लिए यहाँ पे जो डेट्स है वो दी हुई है, जिसमें गाइज एम सी ए का भी जो कोर्स है वो मैंशनड है। क्या है डेट्स, तो आप देख सकते हो सेकेंड नंबर पर एम सी ए संकेत स्थलावर ऑनलाइन अर्ज नोंदनी, मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 15/7/2023। ठीक है, तो इसका मीनिंग यही है गाइस कि 15 तारीख से एम सी ए की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस अपडेट। बट अभी तक जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो अपडेट है वो रिलीज़ होना बाकी है, बट जब जैसे ही अपडेट रिलीज़ होगा मैं आपको जो टाइम पे अपडेट है वो दे दूंगा। बट सी ई टी सेल ऐसा हर बार करती है कि पहले न्यूज़पेपर में अपडेट डालती है एंड फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर डालती है। पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर डालना चाहिए फिर न्यूज़पेपर में डालना चाहिए, ताकि तो मतलब कन्फ्यूजन वगैरह वो ना है, क्योंकि सी ई टी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट एज अ ऑफिशियल न्यूज़ के जैसे जो है वो हम रेफ़र करते हैं। अब कभी कभी न्यूज़पेपर में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, बट अभी के लिए गाइस तो यही अपडेट है, इसी के अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि एम सी ए सी ई टी की जो एडमिशन प्रोसेस है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 15 तारीख से जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही ऑफिशियल अपडेट एंड एम सी ए का जो न्यू पोर्टल है एडमिशन के लिए वो रिलीज़ हो जाएगा, मैं आपको उसका भी जो अपडेट है वो टाइम पर दे दूंगा। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भी कन्फ्यूज हो गए कि हमें कौन सा जो कॉलेज है वो मिल सकता है, तो इसके लिए गाइस आप एम सी ए सी ई टी की जो लिस्ट है वो यूज़ कर सकते हो। इसमें गाइस मैंने सारे जो कॉलेजेस है वो मेंशन किए हैं जो एम सी ए सी ई टी का जो स्कोर है वो एक्सेप्ट करते हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए, एंड इससे गाइज आप जो कॉलेजेस है वो भी डिसाइड कर सकते हो। सपोज आपको 80% आई ले तो आप डायरेक्ट सारे कॉलेजेस देखने से अच्छा ऐसे ही कॉलेजेस देखो जिनका जो कट ऑफ है वो 80 के आसपास जाता है, जिससे आपको नंबर ऑफ कॉलेजेस जो है वो कम देखना पड़ेगा, मेहनत भी बचेगी, साथ ही में आपको जो वैलिड ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे एंड अच्छे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो ये पूरी लिस्ट है गाइज, अगर आपको ये लिस्ट चाहिए होगी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ले सकते हो। इससे गाइज आपका ओवरऑल जो काम है वो काफ़ी कम हो जाएगा एंड आपको अच्छे कॉलेजेस के जो ऑप्शन है वो भी मिल जाएंगे। इसके अलावा गाइज जैसे ही इसके ऊपर ऑफिशियल अपडेट आता है, एम सी ए का जो एडमिशन पोर्टल है वो रिलीज़ होता है, उसके ऊपर मैं आपको सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे दे दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको एम सी ए सी ई टी से एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पर मिलते रहे।